नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नसीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नसीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। जवान आज कि एमा वुशे ये छा ऐसे थे काम करने दोस्तान मदर अवॉइड तुम करिम सब एसएमएस सतो वो करो कंसा ये जॉइन कर, ये जॉइन कर तो दिल से इमुने तो खान दबाव यात में चिकिए यात कुर्सी पर मुकेश बुचुस ना बुचुस का समझ जो का रीड से आज यहाँ पर हमको गार्ड खड जिसको गाँव जिसको बोला जाता है, तो आज यहाँ पर हमने मोहम्मद कासिम जो हमारा था पीडीपी का बहुत ही अच्छा लीडर सीनियर लीडर था, तो आज इसने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो आज आप देख रहे हो कि इन्होंने तकरीबन 100-150 बंदों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया, और कल भी परसों भी हमने एक ज्वाइन किया, आज भी आज इसने बहुत बड़ा रखा था यहाँ पर। तो मेरी जो टीम साथ में थी, आज मंजूर साहब था, उर्शीद खान साहब था, ये हमारी टीम थी, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही वर्करों ने बहुत ही अच्छा है, शबीर साहब है बहुत ही यहाँ पर, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज यहाँ पर बीजेपी का जो दामन है वो थाम लिया है। आप इंशाल्लाह आप देखो कि जब से मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली है, तो तब से आपने देखा कि कितने लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पीसफुल से आना चाहते हैं, ना इनके पास कोई दबाव है ना कुछ, आना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ सिर्फ एक वाहिद पार्टी है वो बीजेपी पार्टी, कि जो यहाँ पर हमारा जो काम है वो कर सकती है, और बाकी जो पार्टियाँ ये पार्टियाँ तो आज तक इन्होंने धोखा ही दिया है। तो आज अगर ये देखा जाए कि इनका बहुत एक बहुत बड़ा मसला था वो पानी का था, 24 साल भी इनको पानी नहीं मिला, 70 साल हो गए अभी तक पानी नहीं मिला, रोड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इन बिचारों को। तो आज अगर हम देखा जाए तो इन बिचारों ने ये चीज़ मतलब हाजिर कुरान शरीफ हाजिर रख कर ये कहा कि नसीर साहब हम दिल जान से आपकी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि पता है कि वाहिद एक बीजेपी पार्टी है जो इस जो मसले हैं वो हल कर सकती है, जो ये पानी है वो दे सकती है, जो रोड है वो दे सकती है, सिर्फ वाहिद एक बीजेपी पार्टी है। तो आने वाले टाइम में इससे बड़ी ज्वाइनिंग और भी होने वाली है इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के यहाँ से। तो इंशाल्लाह आगे हम ये प्रोग्राम जो हाल ही में बना है तो हमने इसके जरिए ज्वाइन किया है, क्योंकि हमें खाली नसीर साहब से उम्मीद वाबस्त नहीं है, हमें खाली नसीर साहब से उम्मीद वाबस्त नहीं है, हमें ऊपर वाली क़यादत के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्त है।